दून क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार चौधरी ने दून क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा किया। हर गांव में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने लिए वोट मांगे। जनता को संबोधित करते हुए रामकुमार चौधरी ने कहा कि भाजपा एक मुद्दाहीन भाजपा बन चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा क्षेत्र में 700 करोड़ रुपए के कार्य करवाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा लोग मुझे नहीं मेरे विकास को वोट देंगे। आपने देखा कि पिछले कई दिनों से हम लोग रोज हर गांव में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं और रोज मकर सभाएं जो हैं वो जनसभा में तब्दील हो रही हैं। आज की मकर सभा ग्राम पंचायत किशनपुरा की है, इसमें लगभग 1000 से ऊपर किशनपुरा और गुरु माजा तनाव माजा के हमारे सभी माताएं बहनें और हमारे साथी इस मीटिंग में भाग लेने आए हैं। इससे अंदाजा आप लगा लो कि ये इलेक्शन जो है एक तरफा हो चुका है और कांग्रेस पार्टी हर रोज जो है बढ़ती तरफ है। बीजेपी के जो है होश उड़े हुए हैं, मुद्दा विहीन बीजेपी है, बिना मुद्दों के जो है बात कर रही है। और कांग्रेस पार्टी और मैंने जो दून क्षेत्र विकास के ऊपर एक बुकलेट छपी है उसका जवाब वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। पंचायत वाइज हमने जो ग्रामीणों को हिसाब दिया है, पोस्ट छपा है, उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। सर लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? लोगों का रिस्पॉन्स 70-30 की रेशियो है। हर गांव में हर क्षेत्र में 70% में कांग्रेस है और ये ग्राफ बढ़ रहा है, 80% की ओर जा रहा है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए अनवर हुसैन के साथ सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।